ये बात है 1891 की सर्दियों की, जब स्प्रिंगफील्ड मैसाचुसेट्स में YMCA यानी यंग मेंस क्रिश्चियन एसोसिएशन के एक फिजिकल ट्रेनिंग कोच जेम्स नेस्मिथ को उनके बॉस ने एक इंडोर विंटर एक्टिविटी इन्वेंट करने को कहा। उन्हें इंस्ट्रक्शंस दिए गए कि वो नई गेम सबको आसानी से समझ में आनी चाहिए, लेकिन वो थोड़ी कॉम्प्लेक्स भी हो जिससे लोगों का इंटरेस्ट बना रहे और जिससे एक स्मूथ ग्राउंड पर ज्यादा लोग एक साथ खेल पाए। उन्हें ये भी कहा गया कि ये गेम ऐसी होनी चाहिए जिससे खिलाड़ियों की एक्सरसाइज भी हो जाए, लेकिन इसमें फुटबॉल, सॉकर और रग्बी जैसी रफनेस ना हो। तब जेम्स ने अमेरिकन रग्बी, इंग्लिश रग्बी, लक्रॉस और अपने बचपन में खेले गए कई गेम से इंस्पिरेशन लेकर इन्वेंट की एक नई गेम जिसका नाम उन्होंने रखा बास्केटबॉल। बास्केटबॉल एक टीम स्पोर्ट है जिसे एक रेक्टेंगुलर कोर्ट में खेला जाता है, whose dimensions are 28 by 15 meters. At each end of the court, there is a 45 centimeter wide hoop, also known as the basket, that is fixed on paddles, और जिसकी height ground से 3.05 meters, यानी कि 10 feet होती है. The outer edge or the length is denoted by 15 meter side lines called the baseline. Court के exact बीच में होती है mid court line, जो दोनों teams के playing areas को divide करती है. मिड कोर्ट लाइन 15 मीटर्स की होती है, जिसके बीच में एक सेंटर सर्कल बना होता है विद डायमीटर ऑफ 3.6 मीटर्स। ये सर्कल इस गेम का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, क्योंकि गेम की शुरुआत यहीं से होती है। कोर्ट में दोनों बास्केट्स के इर्द गिर्द रेक्टेंगुलर, सर्कुलर और सेमी सर्कुलर मार्किंग्स होती हैं, जिन्हें फ्री थ्रो लाइन, फ्री थ्रो सर्कल और थ्री पॉइंट सर्कल कहा जाता है। बास्केटबॉल दो टीम्स के बीच खेला जाता है, जिसमें हर टीम में 12 प्लेयर्स होते हैं, लेकिन गेम के वक्त ईच टीम से एक साथ कोर्ट में सिर्फ 5 प्लेयर्स खेल सकते हैं। दोनों टीम्स का एम होता है दूसरी टीम के बास्केट में बॉल डालकर ज्यादा स्कोर कर जीत हासिल करना। इस गेम में 3 पोजीशंस होती हैं, फॉरवर्ड्स, पॉइंट गार्ड्स और सेंटर्स। गेम शुरू होती है जब दोनों टीम्स के सेंटर प्लेयर्स कोर्ट के सेंटर सर्कल में आकर खड़े होते हैं और रेफरी बॉल को उनके बीच उछालता है। जो भी प्लेयर बॉल को अपनी तरफ कर लेता है, बॉल उनके पोजीशन में आ जाती है, while the other team defends and tries to get possession of the ball. बॉल को एक तरफ से दूसरी तरफ ले जाने के लिए प्लेयर्स ड्रिबलिंग, पासिंग और शूटिंग का इस्तेमाल करते हैं। ड्रिबलिंग में एक प्लेयर बास्केट बॉल को अपने हाथ से कोर्ट पर बार बार टॉस करता है और साथ ही आगे बढ़कर बास्केट करने की कोशिश करता है। जब एक प्लेयर खेल के दौरान बॉल को अपने टीम मेट तक पहुँचाता है तो उसे पासिंग कहते हैं, साथ ही जब कोई प्लेयर बॉल को बास्केट की ओर फेंकता है तो उसे शूटिंग कहते हैं। कोर्ट के जिस जगह से बास्केट में बॉल डाली जाती है उसी हिसाब से स्कोर्स भी मिलते हैं। जब थ्री पॉइंट सर्कल के अंदर से स्कोर करते हैं तो 2 पॉइंट्स मिलते हैं और अगर उसके बाहर से बॉल बास्केट में डाली जाए तो 3 पॉइंट्स मिलते हैं। पॉइंट स्कोर करने के बाद बॉल दूसरी टीम को दे दी जाती है। खेल के दौरान अगर डिफेंसिव साइड बॉल हासिल करने के लिए बॉल की जगह प्लेयर को फोर्सफुली टच कर लेती है तो इसे फाउल माना जाता है, और अगर ऐसा शूटिंग यानी बास्केट करने के दौरान हो तो ऑफेंसिव साइड यानी ओपोनेंट टीम को 1 से 3 फ्री थ्रोज दिए जाते हैं, जिसमें हर थ्रो में बास्केट करने पर 1 पॉइंट मिलता है। फाउल्स भी 2 तरह के होते हैं, एक टीम फाउल और एक पर्सनल फाउल। प्लेयर्स को 5 पर्सनल फाउल्स तक अलाउड होते हैं, जिसके बाद उसे गेम से बाहर कर दिया जाता है। बास्केटबॉल का एक गेम कुल 40 मिनट का होता है, जो 10-10 मिनट के 4 क्वार्टर्स में डिवाइडेड होता है। टीम को पूरी गेम के दौरान रेस्ट करने के लिए 3 से 5 मिनट के 2 टाइम आउट मिलते हैं। US की नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन यानी NBA, जो की दुनिया की सबसे पॉपुलर बास्केटबॉल लीग है, उसमें एक गेम 48 मिनट का होता है, जिसमें एक क्वार्टर 12 मिनट का होता है। अगर गेम में टाई होता है तो उसे ब्रेक करने के लिए 5 मिनट का ओवरटाइम भी दिया जाता है। अब ये तो हुई बात कि बास्केटबॉल खेला कैसे जाता है, अब हम आपको बताएंगे इस खेल की हिस्ट्री के बारे में। इट वॉज 20th January 1892 when the first official game of basketball was played in Springfield, Massachusetts. After James Naismith invented it and wrote a whole rule book for it.
शुरुआत के 2 साल ये गेम सॉकर बॉल के साथ खेला जाता था और बास्केट करने के लिए इसमें रियल पीच बास्केट्स इस्तेमाल की जाती थी जो नीचे से बंद हुआ करती थी। इसलिए जब भी कोई बास्केट स्कोर करता तो फील्ड पर मौजूद ऑफिशियल्स को मैच रोककर बॉल को बास्केट से निकाल कर लाना पड़ता था। द कॉन्सेप्ट ऑफ हैविंग अ नेट केम अबाउट ओनली इन द अर्ली 1900s व्हेन समवन डिसाइडेड दैट देयर वर टू मेनी पॉजेस इन वन गेम। Another interesting fact about the early form of basketball is that unlike the complex rules today, there were only 13 simple rules of the game back then. And for carrying the ball across the court, dribbling wasn't allowed. And the players had to throw the ball towards each other to catch and score. Iske alawa, 1894 tak, dono team se 9 khiladi ek baar mein khel sakte the, jo baad mein jagah kam padne ki wajah se 5 kar diye gaye. Now, when it comes to the game's fashion, it was in the early 1900s when the first team-coordinated uniforms of woolen tees and knee-length form-fitting shorts made their appearance in the game, which later evolved with the game and comfort of the players. Gradually, basketball gained popularity as a team sport. Schools, universities, amateur sports clubs, प्रोफेशनल गिल्ड्स और काफी सारे सोशल ऑर्गेनाइजेशंस ने इस गेम को अपने पॉपुलर रूटीन का पार्ट बना लिया, जिस वजह से ये इंटरनेशनली पॉपुलर होने लगा। इमर्जिंग फ्रॉम द यूनाइटेड स्टेट्स, कनाडा बिकेम द फर्स्ट कंट्री आउटसाइड द यूएस टू प्ले द गेम, सिंस द क्रिएटर ऑफ दिस गेम वाज अ कैनेडियन। आफ्टर दिस द गेम ट्रैवल्ड टू अदर कंट्रीज ड्यूरिंग द वर्ल्ड वॉर्स। बास्केटबॉल वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन फ्रांस इन द ईयर 1893। In England, it was in 1894. In Australia, China, and in Japan, the game was introduced in 1900. The first professional basketball league was the National Basketball League, which was founded in 1898 and was centered in Philadelphia, Pennsylvania. The league's teams stretched from New York City to central New Jersey, through the Philadelphia area and down to Wilmington, Delaware. इनिशियली इस लीग में कुल 6 टीम्स ने हिस्सा लिया था, पर 1904 में कुछ इंटरनल कंट्रोवर्सीज की वजह से इस लीग को बंद कर दिया गया था। इसके बाद काफी सालों तक बहुत सी बास्केटबॉल लीग्स बनी और बंद हुई, लेकिन सबसे ज्यादा पॉपुलैरिटी और वर्ल्ड वाइड रिकॉग्निशन मिला नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन यानी NBA को। दिस प्रोफेशनल बास्केटबॉल लीग वॉज फॉर्म्ड इन द यूनाइटेड स्टेट्स इन 1949 by the merger of 2 rival organizations. The National Basketball League, which was again founded in 1937, and the Basketball Association of America, which was founded in 1946. Initially, this league too had its ups and downs, but in 1984, David Stern, a renowned American lawyer and business executive, became the NBA commissioner, who helped to transform the league into an international entertainment company. 1980s में टीवी एक्सपोजर मिलने के बाद इस गेम में लोगों का इंटरेस्ट और बढ़ता चला गया। उस दौरान बास्केटबॉल के कुछ चैंपियंस जैसे अर्विन मैजिक जॉनसन, जूलियस अर्विंग, डॉक्टर जे, लारी बर्ड और माइकल जॉर्डन उभर कर निकले। इनके अलावा बास्केटबॉल के दिग्गजों में लेब्रॉन जेम्स, केविन ड्यूरेंट, शकील ओनील, करीम अब्दुल जबार और कोबी ब्रायंट जैसे नाम भी शामिल हुए। अगर बात करें इंडिया की तो बास्केटबॉल यहाँ 1930 में इंट्रोड्यूस हुआ, आफ्टर विच द फर्स्ट इंडियन नेशनल चैंपियनशिप फॉर मेन वाज कंडक्टेड इन 1934 इन न्यू दिल्ली। 1950 में बास्केटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया BFI का निर्माण हुआ। भारत में बास्केटबॉल अब भी अपने इवॉल्विंग स्टेज पर है। द नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन हैज रियलाइज्ड द इमेंस पोटेंशियल ऑफ द स्पोर्ट इन दिस लार्ज एंड ग्रोइंग मार्केट एंड इज वर्किंग हार्ड विद द बास्केटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया to expand the popularity of the sport in this country. April 2015 mein Sim Bhullar, jo ki Indian descent Canadian hai, unhone NBA ke saath apna professional debut kiya. He became the first player of Indian descent to play in the NBA. Aur sirf uske 2 mahine baad, Satnam Singh Bhamra became the first Indian ever to be selected in the NBA by being the 52nd pick in the 2015 NBA draft for the Dallas Mavericks. The first ever NBA games in India took place on the 4th and 5th October 2019 at the National Sports Club of India Dome in Mumbai.
The NBA India Games 2019 featured two preseason games between the Sacramento Kings and the Indiana Pacers and marked the first time that teams from a North American sports league played in India. So friends, ये थी कुछ interesting बातें about basketball. आपने इस sport के बारे में क्या नया सीखा? हमें comment section में जरूर बताएं. और ऐसे ही और भी कई सारे sports के बारे में जानने के लिए देखते रहिए All About Sports on Mind Wars YouTube channel. Want to be the first to know of the videos on the Mind Wars YouTube channel? Hit subscribe and click the bell icon. And remember, knowledge increases when you share it. So like, share and tell your friends about the video.